बीएससी के नगर में प्रसव कराने आई महिला को प्रसव के बाद बताया आपको हुआ है लड़का, दो घंटे बाद दिया लड़की। परिजनों का आरोप शिशु का हुआ है हेराफेरी। केनगर थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के नगर में प्रसव के दौरान बच्चे की अदला बदली का मामला प्रकाश में आया है। मोहम्मद हासिम साकिन बरगाछी वार्ड नंबर 2 पंचायत गणेशपुर पोस्ट काजा ने मीडिया को बताया कि प्रसव पीड़ा के बाद पत्नी नासरीन खातून का प्रसव कराने 4 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे के नगर पीएससी पहुंचे और पत्नी को वहां एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के 10 मिनट बाद लगभग रात्रि 8:40 में प्रसव कक्ष के बाहर मौजूद सेविका निर्मला देवी, नर्स सरिता देवी, चिंटू कुमारी एवं आशा कार्यकर्ता ममता दीदी ने कहा कि आपको पुत्र हुआ है। यह बात सुनकर फूले ना समाने लगा और खुशी के मारे अपने बच्चे को देखने की जिद करने लगा, परंतु वह लोग रुपये का मांग करने लगी। तब मैंने सेविका निर्मला देवी को 200 रुपये एवं नर्स सरिता देवी को 500 रुपये दिए। मेरे पास फिलहाल इतने ही रुपये थे, परंतु वह लोग सफाई कर्मी के लिए 500 रुपये और देने का मांग करने लगा। तब मैं वहां से निकलकर पैसे लाने अपने घर बरगाछी गया और घर से रुपये लाकर उन लोगों को दिया। प्रसव के 2 घंटे बाद नवजात शिशु को माता के गोद में दिया गया। पता चला कि पुत्र बताकर पुत्री सुपुर्द किया गया है। जब मुझे पुत्री हुई थी तो पुत्र क्यों बताया गया? मुझे आशंका है कि मेरे बच्चे की अदला बदली नर्स द्वारा कर दिया गया है। इस बात से परेशान होकर हम लोग रोते चिल्लाने लगे, किंतु किसी ने नहीं सुना। जब सुबह होकर मेरी पत्नी को डिस्चार्ज किया गया तो उस डिस्चार्ज स्लिप में भी पुत्र होने को दर्शाया गया। इस मामले को लेकर हम लोगों ने पीएससी प्रभारी के नगर थाना अध्यक्ष एवं चाइल्डलाइन समन्वयक को भी आवेदन दिया है ताकि इंसाफ मिल सके। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नगर से संपर्क करने का कोशिश किया गया, लेकिन पता चला कि वह अभी छुट्टी पर है। वहीं इस मामले में चाइल्डलाइन के समन्वयक मयूरेश गौरव ने बताया कि मामले को लेकर आवेदन मिला है। चाइल्डलाइन की एक टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इन मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर चाइल्ड सेलिंग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गए आपको दर्द जैसे हुआ ना तो ले गया मां अस्पताल। वहाँ जब गए तो साथ में मेरा बहन था और आशा था अंदर में। हम तो सीरियस हो गए। इधर जब बच्चा पैदा हुआ तो बोला कि लड़का है, तो मैडम भी बोला और आशा भी बोला, सब उधर बोल के बाहर निकल गया, चला गया। बच्चा को इधर ये काट के लपेट सपेट के रख दिया वहाँ शीशा पे। अच्छा। तो हम लोग सुन के रह गए, सोचे लड़के हुआ है तब न बोलता है। तो हमको तब उधर जो उठाया तो उठा के बोला बाहर ले जाओ इसको। तो हमको बाहर दूसरा रूम में लेके आ गया। तब तो तुमको क्या लगता है कि क्या हुआ है? तो बोला लड़का है, तो फिर 2 घंटा के बाद देखते हैं लड़की है। कौन बोला लड़का है? सब मैडम बोला, सास सब भी बोला, डिलीवरी कराई थी वो? हाँ वो भी बोला, माँ लिख भी दिया सब चीज में। डिलीवरी कौन कराई थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम हमको पता। जो डिलीवरी कराया वो कौन था? सलिता था और डिंटू था। तो ये लोग NM है। हाँ। तो तुमको क्या लगता है कि ये लोग जो है बच्चा को बेच लिया है? बेच लिया था। हम तो सोचते हैं कि बच्चा बेच नहीं लिया है तो आखिर सच्चा बोलता है क्या? लड़की हुआ तो लड़की है, किसे में बोलता है, लिखता सब चीज को। तो उसको पूछी तो क्या बोला वो? NM सब क्या बोला? बोलता है हमसे भूल हुआ है। भूल हुआ? हाँ। लेकिन तुमको ये है कि तुम्हारी बहन थी, वो तो बहन देखी थी? बहन भी बोला लड़का है। तो आप कहाँ क्या चाहती हो? तो वही खोज पूछ कर रहे हैं, क्या होगा देखते हैं। तुम चाहती क्या हो, क्या मांग है आप? क्या मांग करती हो तुम? बोलता है सब बोलता है लड़का है तो लड़का चाहिए, और क्या मांगेगी? लड़का चाहिए। हाँ। तो उसके अभी कहाँ आई हो? अभी आई है यहाँ थाना केस करने के लिए उस पे। हाँ। आवेदन दे दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नासरीन खातून। घर कहाँ है? बरगाछी वार्ड नंबर 2। डिलीवरी के समय आप थे वहाँ पे, क्या हुआ? बाहर में थे। बाहर में थे तो क्या जानकारी मिली? जानकारी आशा उधर से निकला ना, क्या हुआ? बोला कि लड़का, वही सुने लड़का हुआ। तो उसके बाद फिर चेंज कैसे हो गया? बाद नहीं जानते हैं। बच्चा सबको दे दिया सीट पर, जब 2 घंटा के बाद देखे तो लड़की था। पहले बोली कि लड़का है, उसके बाद लड़की बोला कि लड़का हुआ।
वही सुन के रहे हैं, जब बच्चा यहाँ सीट रूप पर दे दिया तब देखे तो वहाँ पर लड़की। आपको लोग को लगता है कि बच्चा चेंज कर दिया? हम तो बाहर में थे, क्या बता रही सबको बोला कुछ नहीं, सब चले गया अपना घर, चला गया अपना रूम, चले गया आशा भी चले गया, बच्चा अब्बा भी घर चले गया। वहाँ से आया दो घंटा में पैसा देने के लिए, पैसा भी दे दिया नर्स से, तब देखे हम दिया था नर्स जैसे हमने आपको 500 रुपया दिया था, बाद में पहले कितना दिया नहीं देखे। क्या शक है कि बच्चा बदला गया? सब क्या बोलता वो तो बताइएगा, आपकी बहन मेरी थी वहाँ डिलीवरी में, वहाँ बहन था आशा था अंदर में, उसका बहन। क्या नाम है? घर कहाँ? मेरे गाछी वार्ड नंबर 2। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा डिलीवरी पेशेंट परिवार है, ठीक है, और शाम का टाइम 7:40 के टाइम में, 7:40 का टाइम में उसका 6 बजे से स्टार्टिंग हुआ दर्द है, और उसको हम अपना चिकित्सा में लाए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो लाए तो वहाँ 8:30 में हम लोग पहुँचे के नगर हॉस्पिटल पहुँचे, और के नगर हॉस्पिटल 30 में पहुँच चुके थे, और डिलीवरी 8:40 तक में हो चुका था। तो सब ने बोला, आशा नर्स और सब जो भी उसका चार्ज में था रात का ड्यूटी में, तो उसने बोला कि आपको लड़का हुआ है, इस खुशी में जो है आपको कुछ पैसा और मिठाई देना पड़ेगा, ठीक, और एगो जो खाता खोलता है तो उसको भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका खाता में पैसा नहीं आएगा। हम बोले ठीक बात तो है, तो हमारे पास तो अब पैसा रहा ना, जो दिन में हम गाड़ी चलाते हैं और उसमें मेरे पास पैसा नहीं था, जितना था वो लोग को हम दे चुके थे। तो बोला इसको अगर नहीं दीजिएगा तो आपका खाता में पैसा सरकारी जो आता है वो नहीं आएगा। तो उसके बाद हम घर चल गए, घर जाने के बाद जो है पैसा लाने चल गए, बोला कि लड़का हुआ है, उस खुशी में हम घर चल गए कि और पैसा जो बचा है जिसको देना है, जो खाता में मेरा नाम चढ़ाएगा तो उसको देंगे तभी काम होगा। हम हैं कितना मांगा है? उसने मांगा 800 रुपया लगेगा। आप घर गए? हम घर उसी समय चल गए जिस समय उसने मांगा था। डॉक्टर क्या नाम था? डॉक्टर का नाम हम अभी तक इतनी नहीं किए हैं कौन डॉक्टर है। तो उस ड्यूटी में रात में जो 4 तारीख का डेट में जो डॉक्टर था उसने बोला कि पैसा देना पड़ेगा। क्या हुआ उसके बाद? हम घर चल गए, आने और जाने में वहाँ से पैसा घर से लाने तक 2 घंटा बीत चुका था। उसके दरमियान जो है पैसा दे करके हम बाहर आए, 5-7 मिनट के बाद कहता है उसने, डॉक्टर और सब ने मिल के वहाँ का जो इंचार्ज में था रात का ड्यूटी में, बोला कि आपको लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, फर्स्ट बार बोला लड़की ये लड़का, उसके बाद कहता है आपको लड़की हुआ सब पैसा देने के बाद। तो हम 3 बजे रात तक वहीं रहे हॉस्पिटल में ही कि ये तो अनर्थवाद हो गया। तो मेरे पास कोई मोबाइल और कोई चीज़ नहीं था जो हम किसी को बताते, और ये वो छोटा सा मोबाइल है, साधारण मोबाइल, वो मोबाइल अभी भी मेरा आत्मा में है, उससे हम फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा मैटर है। तब जो है कि सवेरे 3 बजे हम फिर घर चले गए, एगो छोटा बच्चा है वो रो रहा था, मेरा भाई फ़ोन किया कि एगो घर में बच्चा है वो छोटा रो रहा है तुम घर आ जाओ, तो हम घर चल गए। घर जाने के बाद जो है वहाँ सो गए, रात भर जो यहाँ जगे तो घर में जाके सो गए 4 तारीख का रात में। और मेरा एक ठो बड़ा भाई है वो बोला बच्चा सब जो हॉस्पिटल में है ना तो तुम आ गया देख के, अब हम जाते हैं बच्चा सब को देखने। तो उसको भी हम रात में बता दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है, घटना है। तो वो जो आया गाड़ी लेके, ये गाड़ी है नज़र उधर दिखाइए, ठीक है बोलो ना। तो ये गाड़ी लेके आया और यहाँ हॉस्पिटल में उसको पहले जो है यहाँ छुट्टी दिया। आशा भी घरे में है और उसको छुट्टी दे के डिस्चार्ज कापी ये मेरे हाथ में है, उसमें लड़का उसको है। मेरा ये कागज और बच्चा सब शहीद भेजा घर पे, हम तो घरे में हैं। तो हमारा घर पे आदमी पहुंचने के बाद कहता है आपको लड़का हुआ है आसिम जी, पहले बच्चा को दिखाइए। मेरा परिवार से भी बोलने लगा और हमसे भी बोलने लगा, आदमी को हम कितना कहें कि मत आइए, कितना कहें कि जाइए,
जो रात में हम बोले थे हमको लड़का हुआ है, तो उसी आधार पे सुबह जब छुट्टी होके मेरा घर पे आया तो वही लड़का खोजने लगा। तो लड़का खोजने लगा तो हम बोले आपके आगे में है जो लाया है उसमें देख लीजिए। तो बोलता है ये तो गलत बात है, ये तो लड़का है नहीं है, ये लड़की है। तो मेन बात यही है। और इससे आगे कहाँ आए हो? अभी हम थाना केस करने आए। आपको क्या लगता है कि बच्चा का फिर बदल हुआ है? हमको तो पूरा शक है कि यही हुआ है। क्या मांग है? मेरा मांग है उचित कार्रवाई की जाए और सही हमको ये दिलासा दिला जाए, इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। एएनएम का क्या क्या नाम है? एएनएम का तो हम अभी तक उतना अथी नहीं किए हैं, लेकिन सबको हम पहचानते हैं वहाँ कौन कौन है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद हसीम है। घर कहाँ? घर बैरगाछी, वार्ड नंबर 2।